5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस और पर्यावरण को बचाना रखना हम सभी का कर्तव्य बनता है और इसी उद्देश्य से जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अपने आवास के साथ ही कई जगहों पर फलदार और छायादार वृक्ष पौधा का रोपण कर आम जनता से अपने जीवन में पौधारोपण अवश्य करने की भी अपील की। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार भोजपुर आरा के तत्वाधान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के तहत कई फलदार और छायादार पौधारोपण भी किया गया। पर्यावरण दिवस के अवसर पर आरा सिविल कोर्ट प्रांगण, जिला जज आवास, जजेज इनक्लेव, पर्यवेक्षण गृह के साथ ही सीजीएम हाता में वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया। वन विभाग के सौजन्य से फलदार तथा छायादार वृक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश फूलचंद चौधरी, एडीजे वन राकेश कुमार सिंह, एडीजे तीन त्रिभुवन यादव, एडीजे चार हर्षित सिंह, एडीजे 17 सुनील कुमार, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव मुकेश कुमार द्वितीय, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनिल कुमार, सीजीएम राकेश कुमार पांडे, एसीजीएम अजय कुमार, एसीजीएम चंदन कुमार, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी पूजा कुमारी, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सुशांत कुमार, विधिक संघ के सचिव विद्या निवास सिंह, अधिवक्ता मुकेश कुमार सिन्हाग ने संयुक्त रूप से वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश फूलचंद चौधरी ने बताया कि पर्यावरण सुरक्षा हमारा विधिक एवं संवैधानिक दायित्व है। पौधरोपण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पर्यावरण की सुरक्षा करना हम लोगों की संवैधानिक और विधिक दायित्व है। सारे पर्यावरण को सुरक्षित रखना ये सारे लोगों का दायित्व है, सारे सिटीजन का दायित्व है। तो ये एक जो है मार्क ऑफ टोकन है कि सारे लोग जो है आज के दिन इसको ऑब्जर्व करें, सारे लोग पेड़ पौधे आज के दिन लगावें ताकि हमारा वातावरण शुद्ध हो और इस वातावरण में हम लोग स्वस्थ रह सके। और सर जो पूर्व से भी काफ़ी पेड़ लगाए गए थे उनमें फल आ गए हैं, सर उनका क्या किया जाए? हाँ, ये बहुत एक पेड़ तो है, फल आया है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे नहीं, ये एज सच रहेगा ताकि इस जब तक मतलब ये टिक सकता है, इसकी ब्यूटी इसमें रहे, देख के अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है।